नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के धामपुर से है, जहां दुर्गा पब्लिक स्कूल जूनियर विंग में आरएमके फिल्म्स एवं रोमियो डांस इंडिया डांस ग्रुप द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सांधे दैनिक पब्लिक इमोशन के संपादक डॉक्टर पंकज भारद्वाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष एसपी सलूजा, हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुगम जैन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कौशिक एवं हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या चौधरी आदि का बैस लगाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वह पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम दुर्गा पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा मेरे घर राम आए हैं गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। नगर एवं क्षेत्र के वरिष्ठ शिक्षक व शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे शिक्षकों, धामपुर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य बबीता गुप्ता, विजन संस्था अकेडमी की संचालक, कंपनी सेक्रेटरी एवं करियर कंसल्टेंट शहबा रहमान, शिखर शिशु सदन स्कूल से राम निवास सिंह, प्रवक्ता एवं कोऑर्डिनेटर के एम इंटर कॉलेज धामपुर से अनिल कुमार सिंह, सेंट मेरी स्कूल धामपुर से प्रियंका तुली, दुर्गा पब्लिक स्कूल धामपुर से आरती शर्मा एवं प्रभा शर्मा, सैदपुरी विद्यालय से मुकेश कुमार, धक्का करमचंद विद्यालय से अनिल कुमार शर्मा, बालिका विद्या मंदिर धामपुर से पूर्णिमा शर्मा, सिमरा इंटरनेशनल स्कूल से रोहित गुप्ता, दुर्गा पब्लिक स्कूल से प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह चौहान आदि को संस्था द्वारा सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एसपीडी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम चौहान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सर्वप्रथम अपने उन समस्त गुरुओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मेरे इस जीवन में अब तक के जीवन में शिक्षा दी है। चाहे उन्हें मुझे कला की शिक्षा दी है, चाहे मुझे काव्य की दी है, मुझे साहित्य की दी है, यानी किसी भी रूप में जिसने मुझे शिक्षित किया है, मैं आज उनको नमन करती हूँ कि आज कुछ मुझे उनसे मिला, जो कुछ मिला उसके बाद मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ जिसने अपनी कृपा करके मुझे कुछ बनाया। और शिक्षक दिवस पर कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगी, वर्तमान समाज को देखते हुए जो शिक्षा हम देख रहे हैं, उस शिक्षा के सामने बहुत सी चुनौतियां आ गई। स्वरूप क्या है शिक्षा, शिक्षक और संस्कार? हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर अपनी अंतिम शिक्षा तक, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो हमारे कोर्स कोई भी हो, जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं किसी रूप में, वो शिक्षा का स्वरूप आज कैसा रह गया? शिक्षा मतलब केवल साक्षर होना नहीं है कि हमने पढ़ लिया और हमने उसे लिख दिया, वो केवल साक्षर होना है, लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को छूती है शिक्षा और व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। लेकिन समय आते आते आज शिक्षा के स्वरूप में बहुत विकृति आई है, बहुत बदलाव आए हैं और वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शिक्षित होने के पश्चात जो व्यक्ति को समाज को देना चाहिए वो वास्तविक रूप में नहीं दे रहा है, जो समाज में उसका योगदान है वो योगदान पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में जो कमियां आई हैं, जो एक दीमक लगी है, जो खोखलापन आया है, वो व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर रहा है, शिष्ट नहीं बना रहा है, उसे समाज के लिए उपयोगी नहीं बना रहा है। वो केवल और केवल अपने सुख के लिए प्रयास करता है, केवल अपने विषय में सोचता है, समाज के लिए क्या देना है उसके विषय में उसने उसको सोचना छोड़ दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष दिनेश चंद्र अग्रवाल नवीन ने की एवं संचालन पवन संगम ने किया। रोम मयूर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में मयंक अग्रवाल, मंजीत सिंह सलूजा, आर के आर एडवोकेट अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।